आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अब रुक जाएंगे। वाह मेमोरी की क्या बात है, स्पेस रनिंग आउट आ रहा है, वो रिकॉर्ड होता रहेगा फिर भी, चल तो बीच में से कट हो जाएगा वो तो। चलो वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अर्चना यादव जी को, मैं हूँ आईपीएस यादव कोटा से, आज हम इनकी कुछ गायकी के अंदाज सुनने को मिलेंगे, तो आइए इनसे कुछ और हम जानना चाहते हैं। अर्चना जी, जो अभी आपने गाना गाया, बहुत ही खूबसूरत आपकी मखमली आवाज जी, शुक्रिया। और इसके बारे में कुछ कहेंगी, अक्सर आप गुनगुनाती हैं क्या जी? देखिए मैं जो गाती हूँ, गाना मेरा खैर शौक है ही मेरा, लेकिन मुझे अक्सर हाँ इस टाइप के गाने मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि लाइक कुछ फिल्मी है, ओल्ड फिल्मी है, लता जी हैं, आशा जी हैं, स्पेशली वो मेरी फेवरेट हैं, और इसके साथ साथ मैं कुछ क्लासिकल सिंगर्स हैं उनको भी सुनती आ रही हूँ काफी टाइम से, और बस जो अच्छा लगता है मन को वो मैं गाती हूँ। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के चाहे क्लासिकल संगीत का खजाना हो या पॉपुलर म्यूजिक हो, एक से एक भरा पड़ा है जो है खजाना हमारे यहाँ, एक से एक टेस्ट भरा पड़ा है जी। तो आप कितना सुन पाती हैं और अपने आप को कितना इनेक्ट कर पाती हैं इन सभी गानों के साथ में? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आज के टाइम पे या जो म्यूजिक पहले आ रहा था, ये जो पहले हमारे जो गुनीचंद बड़े से बड़े जो करके गए हैं, हमें जो दे के गए हैं, हमारी विरासत है, जो शास्त्रीय संगीत है, लाइक सुगम संगीत है, अपना भजन है, गजल है, तो जो म्यूजिक आ रहा है अभी आ रहा है तो बहुत चेंज आया है, समय समय के अनुसार चेंज आया काफी, लेकिन जो हमारा पुराना म्यूजिक था वो बहुत, उससे मैं मुतासिर हूँ और मैं उसे सुनना बहुत पसंद करती हूँ। उसमें से जैसे कि लाइक उस्ताद अमीर खान साहब है, वो मैं बहुत उसके साथ साथ लता जी, आशा जी, सबको सुनती हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ आजकल जो म्यूजिक आ रहा है लाइक हनी सिंह या ये सब जो है, वो मैं थोड़ा सा मैं मेरे टेस्ट के बाहर है, समझ के बाहर भी है। तो हम चाहेंगे कुछ आप उस्ताद आमिर साहब का या जिसका भी क्लासिकल में कुछ और सुनाए, बहुत अच्छा लगे। अरे तुम बोलो ना, तेरे से पूछ लिया ना, मैं उनको बोल रहा हूँ माइक हाथ में लो और इसका मूवमेंट जो है ना ये इतना हल्का रखो कि ये नहीं हिले। वही तो बोला था ना, ये और लंबा होना चाहिए। देखिये उस्ताद अमीर खान साहब तो बहुत बहुत ही मतलब वो एक ही थे, मैं उनका गाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं, आप जैसा कि कह रहे हैं तो मैं आपको एक मुझे जो बंदिश याद आ रही है, कुछ पाठ शाम का भी वक्त है तो उसी वक्त के अनुसार हम एक राग पूरिया धनाश्री में थोड़ा सा एक गलत ज्यादा नहीं जितना आप गा सकते हैं कम्फर्टेबली। वाह दोस्तों, मैं तो दीवाना हूँ अच्छे सुर का, अच्छे ताल का, और बहुत ही खूबसूरत गाया अर्चना जी ने। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे कलाकार को आप भी अपनी तालियों से मसरूफ नहीं रखेंगे और इसी तरह से इनको प्यार अपना देते रहेंगे।
तो मेरे ख्याल से अर्चना जी अगली हम बात करते हैं छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में। जी धन्यवाद। चलिए दोस्तों,